ऑलराइट, और एक फ्लिप फोन आ गया है, फाइंड एंट्री फ्लिप, जिया ओप्पो का फ्लिप फोन, एंड दिस इज इन इट्स थर्ड जनरेशन। अब बॉक्स तो बढ़िया दिख रहा है, फोन कैसा है वो देखेंगे, अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले। वैसे दोस्तों बॉक्स हम खोलते हैं आपके लिए, बहुत सारी चीजें करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब ऐसे बॉक्स आते हैं आई लव इट। फिर से मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। That's nice. All right. ये फ्लिप फोन लग ही नहीं रहा है, नॉर्मल अपना कैंडी बार फोन होता है वैसे ही लग रहा है। ओके, देखेंगे और क्या है बॉक्स के अंदर। 80 वॉट की ब्रिक है, लेकिन याद रखिए दोस्तों फोन 44 वॉट को ही सपोर्ट करता है। दिस इज अ 80 वॉट ब्रिक। नाइस, वेरी नाइस। केस आती है, ओह दैट्स फैंटास्टिक, और अच्छी है केस क्वालिटी जो है, नाइस क्वालिटी केस, हार्ड केस है दोस्तों, सो दैट इज देयर। ओके, सर्विस, प्रीमियम सर्विस आपको मिलेगी अगर आप ये लेते हो तो, क्योंकि फोन भी प्रीमियम है। सिम कार्ड टूल है एंड देन डॉक्यूमेंटेशन है। ऑलराइट, और क्या है, और भी कुछ है। ओ, केबल, केबल इज देयर, यूएसबी टाइप ए टू टाइप सी केबल आती है। दैट्स ऑल इन द बॉक्स, लेट्स कीप द बॉक्स असाइड, अब लेट्स ओपन। ओह, हाथ में तो बढ़िया लग रहा है, गुड लुकिंग, ब्यूटिफुल लुकिंग फोन, रियली नाइस। स्लाइट क्रीज दिख रहा है, ये देखिए स्लाइट क्रीज दिखती है, बट क्रीज है। लेट्स क्लोज इट। ये जो एक्सपीरियंस है ना, ओह दिस इज ब्यूटिफुल, मतलब ऐसे लगता ही नहीं है कि इधर हिंज है। वैसे ऑब्वियसली हिंज है दोस्तों, ये ओप्पो की फ्लेक्शन हिंज आती है, बट इट वर्क्स एब्सोल्युटली सीमलेसली। दूसरे फ्लिप फोन जब खोलते हो आपको पता है कि वो हिंज काम कर रही है, इसमें हिंज काम कर रही है ये पता ही नहीं चल रहा है, सो वेरी नेचुरल। एक हाथ से खोल सकते हैं क्या, देखिए, ओ या, यू कैन यूज विद वन हैंड एंड दैट टू इजीली, क्योंकि इधर यू नो यू हैव दैट ग्रिप। नाइस, वन मोर टाइम, easily every time open properly without any issue. वैसे frame जो है दोस्तों metal frame है, Gorilla Glass Victus front and back यानी खोलने के बाद front and back। ये जो है ये short UTG glass आती है, so yeah Gorilla Glass Victus है। Ports and buttons की तरफ देख लेते हैं, उसके पहले गिराना है, चलिए गिराते हैं, tension आता है but करेंगे। 1, 2 and 3। नहीं, absolutely nothing। ये देखिए आगे से गिराते हैं, 1, 2 and 3, absolutely nothing दोस्तों, works very well। वैसे अपने पास पेपर है, एक पेपर दे दो, वही डॉक्यूमेंटेशन दे दो इसके साथ, बिकॉज ये नो गैप डिजाइन है, तो जरा पेपर टेस्ट करते हैं। ऑल राइट, नॉट बैड, ओ दिस इज गुड, दिस इज रियली गुड, हाँ Not bad at all. So basically, ये क्यों टेस्ट करते हैं? Dust particles वगैरह जब आप बंद करते हो, dust particles are not going to enter it. So that is good. No gap design भी है. Wait. ऐसे खोल के मैं देखता हूँ. Again 185, 180, 185, 190 grams. Let's see. 185 ही होगा. Ooh, 199.7 grams. क्यों नहीं लगता है यार इतना? Very nice, good work Oppo. Weight distribution वगैरह अच्छा है, in hand feel जबरदस्त है। वैसे दोस्तों हमने बहुत बार इसे flip किया, दो दिन से इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये जो क्रीज है ना वो बिल्कुल भी बढ़ी नहीं है। और टेस्ट किया हमने, ये लोगों को दिखाया, ब्लाइंड फोल्ड किया और उनको फील करने कहा, और उन्होंने ये कहा कि क्रीज उन्हें भी ज्यादा नोटिस नहीं की, सो दैट इज अ रियली गुड थिंग। ब्लाइंड फोल्ड टेस्टिंग की थी हमने। चलिए पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ देख लेते हैं। नीचे की तरफ दोस्तों सिम कार्ड ट्रे आता है, माइक्रोफोन है, यूएसबी टाइप सी है, स्पीकर ग्रिल है, राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन है विच डबल्स अप एज साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, और ऊपर वॉल्यूम रॉकर है, कंफर्टेबल पोजिशन, ऊपर की तरफ नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन है एंड स्पीकर ग्रिल है, एंड लेफ्ट हैंड साइड में अलर्ट स्लाइडर आता है। दिस इज फैंटास्टिक, ओह आई लव इट, दिस इज नाइस। सो ओवरऑल सब कुछ है, 3.5mm जैक नहीं है। वैसे दोस्तों ये जो है ना तीन कैमरास है, दिस इज द फर्स्ट फोन विद अ ट्रिपल कैमरा सेटअप, एंड कैमरास, ओह माय गॉड, उसके बारे में देखेंगे। लेट अस लुक एट द डिस्प्ले फर्स्ट। दोस्तों अगर कवर डिस्प्ले के बारे में बात करूं, ये जो डिस्प्ले है दिस इज 3.26 इंच का 17:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला, सो इट मिमिक्स, ये जनरली 16:9 या 18:9 एस्पेक्ट रेशियो होता है, दिस इज 17:9, सो इट इज जस्ट यू नो द स्मॉलर स्क्रीन बट ऑफ द सेम साइज, तो वो अच्छी बात है। और इस टाइम कवर डिस्प्ले में बहुत सारी चीजें आप कर पाओगे। अंदर का जो डिस्प्ले है दैट इज 6.8 इंच LTPO डिस्प्ले, यस इट इज अ AMOLED LTPO डिस्प्ले, तो 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक जो भी आप काम कर रहे हो
उसके ऊपर उस हिसाब से चेंज होगा। एंड यस, कवर डिस्प्ले भी एमोलेड ही है बट 60 हर्ट्ज का। HDR 10 प्लस का सपोर्ट आता है, 1600 nits ब्राइटनेस है, सो इट इज अ ब्राइट डिस्प्ले एज वेल। अगर मैं बेजल्स के बारे में बात करूं, बहुत ही पतले बेजल्स हैं एंड यूनिफॉर्म बेजल्स हैं, इवन चिन साइड के बेजल्स और ऊपर का जो बेजल है सेम साइज का। एक चीज मैं कहूंगा, ऑल्दो देयर इज अ क्रीज, बट जब आप काम कर रहे हो उतना जो हाथ में फीलिंग आता है वो फीलिंग ज्यादा पता नहीं चलता है कि उधर क्रीज है। सो व्हेन यू आर यूजिंग इट, इट फील्स लाइक अ नॉर्मल कैंडी बार फोन। ये टॉल डिस्प्ले ऑब्वियसली, इसका एस्पेक्ट रेशियो 21:9 का। वैसे फ्लिप फोन हो या फोल्ड फोन हो, जो ड्यूरेबिलिटी होती है हिंज की एंड जो फोल्ड होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओप्पो ने कहा है, जनरली ब्रांड्स 2 लाख 3 लाख 4 लाख कहते हैं, इन लोगों ने कहा है कि 6 लाख फोल्ड्स तक इसे टेस्ट किया हुआ है। 6 लाख मतलब अगर 100 फोल्ड्स आप दिन में करोगे तो 15-16 साल तक इस्तेमाल कर पाओगे। क्या जरूरत है 15-16 साल की, बट 6 लाख फोल्ड्स, वाओ, एक्सिलेंट। ऑलराइट, स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। डायमेंसिटी 9200 का फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर आता है दोस्तों इसमें। 12GB रैम, 256GB स्टोरेज एक ही वेरिएंट आता है। LPDDR5X रैम टाइप है एंड UFS 4.0 स्टोरेज टाइप है, तो दे आर नॉट कट कॉर्नर्स एनीवेयर। स्कोर दोस्तों 1.1 मिलियन प्लस आता है, सो एक्सिलेंट परफॉर्मेंस। इवन गेमिंग आप करोगे इसके ऊपर, हाईएस्ट सेटिंग पे आप गेम्स इसके ऊपर खेल पाओगे एंड आई विल टेल यू व्हाट, मजा आया हमें गेम खेलने में। बड़ा डिस्प्ले 6.8 इंच का, सो यू रियली एंजॉय दैट। और हाईएस्ट सेटिंग पे COD मोबाइल आप 120fps पे खेल पाओगे। BGMI 60fps है बट 120fps ऑन COD मोबाइल। 4300 mAh की बैटरी है, 44 वॉट चार्जिंग है एंड ये जो कवर डिस्प्ले है ना, इसकी वजह से बहुत बैटरी आपकी सेव होने वाली। ये 60 हर्ट्ज है बट आराम से दिन भर जानी चाहिए, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, क्योंकि जो प्रोसेसर है वो भी 4nm बेस्ड प्रोसेसर, पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है। वैसे मैं कवर डिस्प्ले के बारे में कुछ कहना चाहूंगा, AOD का सपोर्ट आ गया है अभी। यस, यू हैव ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। 40 के ऊपर एप्स जो है वो इसके ऊपर इस्तेमाल कर पाओगे, जो भी मेन एप्स होते हैं आपके, कैमरा, वेदर, टाइमर, मैप्स, गूगल फोटोज, सब एप्स इसके ऊपर आप ओपन कर पाओगे। एंड जैसे मैंने कहा 17:9 एस्पेक्ट रेशियो होने की वजह से इट फील्स नॉर्मल कि भाई ये एक सिर्फ छोटा डिस्प्ले है, बट जैसे आपको नॉर्मल कैंडी बार फोन पे दिखता है वैसे ही कुछ है। और एक बात कहूं, इसके जो कंट्रोल्स है ना, सब मेन डिस्प्ले जैसा होता है ना, वैसे ही सब कंट्रोल, सो इट फील्स वेरी नेचुरल। आपको कुछ करना नहीं है, जो आप बड़े डिस्प्ले नॉर्मल डिस्प्ले पे करते हो वैसे ही कुछ ये है। ये देखिए, लुक एट दिस एप्स एंड देन और भी एप्स आने वाले हैं अपडेट्स के साथ। वैसे इसमें यूट्यूब वगैरह देखने में मजा आएगा, रील्स विल बी नाइस। स्क्रॉल कीजिए छोटे डिस्प्ले पे, उसका सपोर्ट भी बहुत जल्दी आ रहा है। वैसे दोस्तों इट्स नॉट ओनली एप्स, विजेट्स का भी सपोर्ट है। आपका पेट वगैरह चाहिए, पेट वगैरह आप रख सकते हो, 3 विजेट्स आप रख सकते हो इसके ऊपर। सो All those things are there. I actually like this display. All right, OS के बारे में बात करूं दोस्तों, Color OS 13.2 आती है। It is well tuned. Flip and fold phone में एक चीज important होती है कि भाई कैसे switch वगैरह जब आप करते हो छोटे डिस्प्ले से बड़े डिस्प्ले, and for that aspect ratio optimized and tuned होना बहुत जरूरी है। And it feels that ये जो Color OS 13.2 है, it is very much optimized based on Android 13. बड़ी बात ये है कि 4 साल के major updates मिलने वाले आपको and 5 साल के security updates. लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा, pre-installed apps आते हैं जो आप अनइंस्टॉल कर पाओगे, हॉट गेम्स, हॉट ऐप्स आते हैं, प्रीमियम फोन में एक्चुअली नहीं होना चाहिए। और वो इंटेलिजेंट सर्विसेज वगैरह वो बाय डिफॉल्ट टर्न ऑफ। 12GB फिजिकल रैम तो है ही, 12GB वर्चुअल रैम का भी सपोर्ट है। और एक चीज दोस्तों मैंने नोटिस की, हैप्टिक्स जो इसके हैं, जो फीडबैक आपको मिलता है वो हैप्टिक्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, आई मीन इट फील्स रियली गुड, वो हैप्टिक फीडबैक जो मिलता है। परफॉर्मेंस, डिस्प्ले वगैरह सब अच्छा है, बट मल्टीमीडिया, ओह माय गॉड, इट इज एक्सीलेंट। स्पेशली आप नेटफ्लिक्स पे HDR वगैरह देखोगे, बहुत मजा आएगा। एंड इसके जो ऑडियो क्वालिटी है बहुत अच्छी है, डॉल्बी एटमॉस ट्यून्ड है दोस्तों, सो वीडियो ऑडियो टॉप नॉच, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी आउट ऑफ द वर्ल्ड। सेंसर्स के मामले में सभी सेंसर्स आते हैं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, वर्क्स वेल। कनेक्टिविटी में दोस्तों 15 5G बैंड्स आते हैं, डुअल 4G वोल्टी है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट आता है, वाईफाई 7 का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.3 है, NFC है, क्या चाहिए और सब कुछ है। फ्लिप फोन में और एक चीज देखनी है कि कहां तक बैंड होता है और कब गिर जाता है, लेट्स सी। ओके, इधर तक नहीं है, ओके दिस इधर तक है, इधर है, दिस इज 90 degrees, इधर तक है, ओह दैट्स सो अबाउट 120 डिग्रीज तक इट इज देयर, थोड़ा नीचे और इतना भी होता है अब गिर जाता है। So, about 120 degrees. जो मुझे सबसे positively surprising लगा वो था इसका कैमरा सेटअप। जी हाँ, flagship, out and out flagship. मतलब आंखें बंद करके मैं कह सकता हूँ कि this is the best camera on a flip phone. You know, by a margin. जो primary sensor है, इनफैक्ट ट्रिपल कैमरा सेटअप आता है दोस्तों, जो प्राइमरी सेंसर है IMX890 सोनी का सेंसर है 50 megapixel का, जो अल्ट्रा वाइड है वो 48 megapixel का है IMX581 एंड 32 megapixel का टेलीफोटो सेंसर है वो भी सोनी का है दोस्तों IMX709।
और वही सेंसर IMX709 सोनी का सेंसर आपको सेल्फी में भी मिलता है। एंड फोटो सिर्फ स्पेसिफिकेशंस नहीं, फोटोज हमने निकाले, आई वाज एब्सोल्युटली इंप्रेस्ड। आप कलर्स देखिए, डायनामिक रेंज देखिए, आई मीन मेरे का वाओ यार, फ्लिप फोन विद सच ग्रेट कैमरा सेटअप। आप खुद देख लीजिए, ओरिजिनल क्वालिटी पे जी ड्राइव लिंक दे रहा हूँ, सेव करके रखे हुए हैं। बहुत सारे फोटोज लो लाइट में भी निकाले हुए हैं, नॉर्मल कंडीशंस में भी निकाले हुए हैं, पोर्ट्रेट्स वगैरह निकाले हुए हैं, जरूर जाके देखिएगा। और हाँ, हैसलब्लैड ट्यूनिंग आती है, और हाँ, इसमें प्रो XDR बेसिकली कॉम्प्यूटेशनल फोटोग्राफी जो है वो आती है। तो जो आपको दिख रहा है, जैसे आप फोटो निकालते वो दिख रहा है, उसके बाद में प्रोसेस हैवी होता है, एंड देन यू रियली सी द यू नो जो अच्छा फोटो एंड रिजल्ट आपको जो मिलता है, एक्सीलेंट। सिंपल लैंग्वेज में बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग करता है, एंड देन यू नो यू गेट दैट ग्रेट फोटो। एंड स्पेशली जब इस डिस्प्ले पे आप देखोगे, वो प्रो XDR की वजह से जो ब्राइटर स्पॉट है वो लिटरली 1600 निट्स ब्राइटनेस तक जाता है, तो जो डायनामिक रेंज आपको दिखती है सॉलिड। इवन अगर सेल्फी सेंसर के बारे में बात करूं, एक्सीलेंट। पिक्सल बाय पिक्सल वो यू नो एनालाइज करता है, एंड देन इट चेंजेस एंड प्रोसेसेस द फोटो। सो एंड रिजल्ट जो आता है दोस्तों, यू आर गोइंग टू लव इट। वेरी वेरी नाइस फोटोग्राफ। ये मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस है, बट आई एम इंप्रेस्ड विद द कैमरा। इवन वीडियोग्राफी में 4K 30fps फ्रंट एंड बैक आपको मिलता है, उसके भी सैंपल्स मैंने दिए हुए हैं, जाके जरूर देखिएगा, यू विल ऑल्सो बी इंप्रेस्ड, दैट्स फॉर श्योर। और हाँ, हैसलब्लैड का एक्सपैंड मोड मिलता है, इवन प्रो मोड आता है, वीडियो फोटो पोर्ट्रेट मोड एंड बाकी सब जो फीचर चाहिए दोस्तों। नाइट मोड है, हाई रेजोल्यूशन, पैनो मोड, टाइम लैप्स, स्लो मोशन, टेक्स्ट स्कैनर, लॉन्ग एक्सपोजर, यहाँ पे यू नो वाइड, आप अगर आपको फोटो निकालने हैं, ये देखिए, सो यू कैन क्लिक दोस वाइड फोटोज एंड ब्लैक एंड व्हाइट में, ब्यूटीफुल। बेसिकली जो हैसलब्लैड का फीचर है वही आता है इसके अंदर। और हाँ, ये देखिए, वाटरमार्क भी नीचे मिलता है, कहाँ निकाला है, कौन से कैमरा पे निकाला हुआ है, ऑल दैट, लुक एट दिस। वैसे ओप्पो इसे कहता है कॉस्मिक रिंग डिजाइन, आई लाइक द डिजाइन, दिस लुक्स प्रीमियम। दिस फोन हाथ में आप लोगे ना, यू नो यू हैव टू फील दिस फोन इन हैंड। चलिए बाकी की चीजों के बारे में बात करते हैं। ड्यूअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट आता है, एसडी कार्ड स्लॉट ऑब्वियसली नहीं, वायरलेस चार्जिंग नहीं है, IP सर्टिफिकेशन नहीं है, सो बाकी सब वाइडवाइन L1 का सपोर्ट है, सार वैल्यू विद इन लिमिट्स, बाकी सब चीजें हैं दोस्तों। दिस यू नो स्टैंड आउट चीज जो है, इनफैक्ट तीन स्टैंड आउट चीजें मेरे हिसाब से, एक तो इसके लुक्स, ये कवर डिस्प्ले, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, एंड सबसे ऊपर मैं कहूंगा कैमरास। Wow, this definitely is a style statement backed by performance. अब दोस्तों इसकी price, right now जब मैं unboxing कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, जो Find N2 Flip आया था वो कुछ 90,000 का था, उसी price range around 1 lakh होगा, because अगर मैं Find N2 Flip के साथ compare करूँ, बहुत बड़ा jump है, especially cameras में और बाकी सब चीजों में भी, it is a big upgrade. So I think it might be slightly higher, around 1 lakh हो सकती है इसकी price. जैसे ही पता चल जाएगी हम description में डाल देंगे. This is probably the best flip phone. Yeah, इसी के साथ मैं end करता हूँ. Detail review चाहिए तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, बट आई लाइक दिस फोन। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।